हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड सर आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। देखो ऐसा है कि ये सूड भावना से जो की कार्रवाई की है मुझे लगता है कि बीजेपी को खत्म कर देगी। लेकिन आप सहयोगी दल, अब आप लोग की भूमिका क्या होगी? हमने कहा ना कि गलत है, ऐसा सूड भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत अलग परिणाम पूरे देश में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो कुछ हुआ नियम के तहत हुआ, बीजेपी का इससे कोई लेना देना? अरे बराबर है, तुमने निकाल बराबर लाया, वो सब समझता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब से उसकी भारत जोड़ो यात्रा निकली है तब से बीजेपी के पैर जमीन खिसक गई है और इसीलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। एक और ये भी दलील दी जा रही है कि उन्होंने अपने मुंह से जो है एक आपत्तिजनक शब्द कहा था, कोर्ट का आदेश आया नियम के तहत लोकसभा से जो है। क्या उनका आपत्तिजनक शब्द क्या था? शोर, ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है ना, शोर ये असंसदीय शब्द है क्या? कोई मतलब ही नहीं ना, खामो खा एक भाई। इसका एक ही ये है कि राहुल गांधी से अब ये डरने लगे हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम उसको निलंबित करो, उसकी खासदार की निकाल लो, आप उसको जेल में भी डालो, वो क्षमा याचना नहीं करेगा, वो क्षमा नहीं मांगेगा। जितेंद्र आव्हाड वैसे तो सहयोगी दल के नेता हैं लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की नेताओं की तरह वो बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर चुकी है, पांव उसके तले जमीन खिसक चुकी है और ये डरे हुए हैं राहुल गांधी से, लेकिन उसकी सदस्यता छीनो कुछ भी करो वो माफी नहीं मांगेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अब आने वाले इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में अब ये बड़ा मुद्दा बन के उठेगा, ये बात बिल्कुल जाहिर है। बीजेपी इस मुद्दे को राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया इस तरीके से पेश करने की कोशिश करेगी और राहुल गांधी ये बताएंगे कि कैसे उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है जो विपक्ष को सह नहीं सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।